स्कूल के बेस्ट डे। अबे मिस्टर लेट लतीफ, कभी तो जल्दी आ जाए कर। तेरे चक्कर में वो साला पीटी टीचर हमें मुर्गा बना देता है और बगल के क्लास वाले बच्चे ऑन द स्पॉट रूपा को लेके आ जाते हैं। हरामी साले। हाँ भाई भाई सही है ना, वो दिन दूर नहीं जब रूपा भाई को अटेंशन देना बंद कर देगी और ये बेहतर जमाना भाई को शराबी करार कर देगा। एक बात बता, तेरे फैमिली में सब ठीक है ना? हाँ क्यों नहीं। मुझे कभी कभी लगता है ना कि तेरी ये सारी बातें सुन के तेरे ऊपर आप बीती है। अबे कुत्ते, तेरे से मैंने एक सवाल पूछा था, तूने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया उसका? ब्रो आई वॉज बिजी इन दिवाली प्रिपरेशन। हैं? अबे अनपढ़ो, देखो। कितने सारे पटाखे लेके आया हूँ। आज तो पूरे स्कूल में धमाका कर देंगे और प्राची को इंप्रेस कर लेंगे। अब क्या हुआ भाई? मैं तो पटाखे लाना भूल गया। और तूने ओ सिट क्यों बोला? ओ भाई मैं क्लास मॉनिटर हूँ और मेरा धर्म। भाई चुप, कौन सा धर्म, क्या धर्म? ये स्कूल वाले ना बहुत चंट होते हैं यार, दोस्तों में मॉनिटरगिरी का धर्म डाल के डिवाइड एंड रूल करते हैं। क्या बात कर रहा है भाई? और क्या भाई, ऐसे थोड़ी ना रोज फंस जाते हैं बच्चे कांडों में। तेरी जैसे चू सॉरी तेरी जैसे स्मार्ट पर्सन की वजह से। भाई वैसे तो बहुत स्ट्रिक हूँ मैं अपने कर्तव्यों को लेकर, लेकिन कोई नहीं। बट एक बात याद रखना, 70 मिनट, सिर्फ 70 मिनट है तुम्हारे पास और ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और बस ऐसे ऐसे पटाखे फोड़ना कि अगले आने वाले 10 साल तक स्टूडेंट तुम्हारी मिसाइल देते रहें। वाह क्या बात बोली है, अगर तू वह लड़की होता ना माँ कसम तेरे होठों पर चुम्मी दे देता है। भाई मैं तो पटाखे लाया ही नहीं और इतने सुबह सुबह कहाँ मिलेंगे पटाखे? तेरे पास पैसे कितने हैं ये बता। भाई यार मेरे पे तो 100 रुपये पर है बस, वही सुबह पापा के जेब से चुरा के लाया। आइडिया देख, ऐसा है आधे पटाखे मैं तेरे को 100 रुपये में दे देता हूँ, बोल मंजूर है? भाई लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू सोच ले, अगर तुझे 100 रुपये में आधे पटाखे चाहिए तो देख ले, या फिर तेरे को दूसरी क्लास के हरामियों के सामने रूपा के सामने तुझे जलील होना है। ठीक है भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी से ही। चल आया बंटवारा करते। ओहो व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। अपनी इंग्लिश को रख अपने पिछवाड़े की जेब में और ये बता मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? बेबे वो तो मैं क्लास में जा रहा था, वो तो नेचुरल हवा लेने के लिए थोड़ा सा बैठ गया यहाँ पर। प्राची अपने बॉयफ्रेंड की शक्ल तो देख, तुझे दाल में कुछ काला नहीं नजर आ रहा? हम खुद काले हैं तो दाल तो काली होगी ना। हैं गवार कहीं का। एक मिनट तुम्हारा बैग चेक कराओ। बेबे किताबें हैं, लंच है, कॉपी है, पानी की बोतल है, और क्या होगा मेरे बैग में? तुम खाली पीली का शक मत किया करो मेरे ऊपर। अच्छा चेक कराओ। प्राची तुझे पता है मेरा एक्स है ना, वो भी ऐसे बहाने मारता था और एक दिन तो तू मानेगी नहीं, वो गंदे काम करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। है क्या है? और तू भी किस किस फीमेल की गॉसिप में यकीन कर रही है? मुझे नहीं पता, देख या तो तू दिखा दे कि तेरे बैग में क्या है या तो फिर ब्रेकअप। बेबे यार। अबे चली जा चुड़ैल, देख फूट लगा दी ना हंसते खेलते कपल में, तुम जैसी ना सहेली होनी नहीं चाहिए, बेचारी का घर उजाड़ने में लगी है। अबे जा प्राची, देख मैं तेरा भला कर रही थी और ये मुझे क्या क्या बोलता जा रहा है और तू चुपचाप बैठी है। ओ माय गॉड आई कांट बिलीव इट। अबे चली जाना, कतई बेशरम औरत है। जा रही हूँ, गवार जाहिल सुअर। देख मैंने तेरा साइड लिया ना, अब तू मुझे दिखा दे तेरे बैग में क्या है। ये ले देख।
पटाखे हैं मेरी माँ खुश। हे राम, इतने सारे पटाखे, पक्का तुम लोग स्टूडेंट ही हो ना? क्यों, तुझे हम क्या अलकायदा ग्रुप्स लगते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस वार्न कर रही हूँ क्योंकि पीटी सर सुबह से बहुत गुस्से में है और कई लोगों को पेल चुके हैं, तो तुम लोग अपना देख लो। अरे बैंच, अरे भाई भाई भाई, अरे यार कुछ बताना फिर, अपना दिमाग चला, हेल्प कर दे मेरी। एक काम कर, अपने पटाखे ना स्कूल के बाहर फेंक। भाई यार मेरे 100 रुपए वापस कर दे, नहीं चाहिए तेरे पटाखे। भाई घर जाऊंगा, मम्मी मारेगी बहुत। अबे वो पट्टू, डर मत, पीटी का बाप भी नहीं पकड़ पाएगा, चल। लेकिन बेब, अबे साले, सॉरी दीदी, उसने कह दिया ना तो मुमकिन है, चल भाई। ओ माई गॉड, विदाउट आई स्कूल में एंट्री? अब तो बेटा गलत हाथों में फंस गया तू, अब तो खुद प्रिंसिपल भी तुझे नहीं बचा सकते। सॉरी सर, सॉरी, आगे से नहीं होगा। बेटा सुन, एक छोटा सा चाटा खा ले, सुबह से यार बोन ही नहीं हुए, हाथों में खुजली हो रही है। सॉरी सर, आज के बाद नहीं होगा। अब यू बॉयज कम हियर। अबे यार मैं क्यों फंस गया, मैं तो मॉनिटर हूँ। बालको मेरे प्यारे घोड़ो, कैसे हो? ओसिट, बैग चेक कराओ, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो तुम्हें क्लास में जाने दूंगा। सर माँ कसम, कुछ भी नहीं है मेरे बैग में। कुछ भी नहीं है तब भी चेकिंग होगी। ओह नाइस, डेकोरेशन मटेरियल, वॉइस प्लेट वेट एंड गो। सर जब उनका कर लिया है तो मेरा भी कर ही लो, मैं किस खेत की मूली हूँ। नो नो बेटा, यू आर मॉनिटर, तुम शरीफ लगते हो, गो। अरे नहीं सर, मेरा बैग चेक करो, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊँगा और समझ लूँगा कि आप काम चोर हो। तो भाई तू पागल है क्या, क्लास में बम फोड़ रहा है, पीटी सर को पता चल गया ना तो तेरी चमड़ी को तेरे सर से डिटैच कर देंगे। अरे नहीं यार, कल किसी हरामी ने रॉकेट फोड़ने के चक्कर में मेरी गेम ही बजा दी, बस जब कुछ भी कर रहा हूँ तो ब्लास्ट सी हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, तू ना जरूर झूठ बोल रहा है। अरे यार ऐसा सच में हो सकता है, मेरी कोठी में ना एक नौकर काम करता था, उसने ना पत्थर खा लिया था, तो उसके बाद वो जब भी डकार वकार कुछ भी लेता था ना तो उसके मुंह से 500 गज का आलीशान टिच मकान बाहर निकलता था मुंह से। अच्छा जी, तुझे पता है मेरे हाथों पर बिना लाल रंग लगाए गालों पर लाल रंग आ जाता है, धुएं एक खींच के, पागल औरत। अरे यार तुमसे लड़ो मत, मैं ऑलरेडी कल से परेशान। वाओ क्लास इज लुकिंग ब्यूटीफुल, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, गुड गुड, क्लास के रौनक बढ़ा दी। यस बेटा गो। सर मैं एडमिन,
Yes. You done bomb blast? No sir, आपने मेरी बैग की चेकिंग करी तो थी, आप मेरे साथ साथ लंच भी खा गए थे, अखाड़े जाना बोलकर। कोई बात नहीं, हो सकता दूसरी क्लास के बच्चों ने किया होगा। हाँ सर, वो टेंसी के बच्चे थे। ओके, गो सिट। ओके सर। सर मैं आई वांट टू ड्रिंक टॉयलेट। ओए माँ। ओके, गो गो। ओह माय गॉड, अच्छा बेटा तो ये बम आशु ने फोड़ा है। अभी पीटी सर को बताता हूँ। सर अब तो तू गया बेटे। अरे सर, सर, सर। अरे रे, क्या मारा है सर ने, ये बचेगा नहीं आशु, मैं तेरे से बदला लूंगा। हाय हाय। सो यहाँ क्यों बुलाया तुमने मुझे? देख, मैंने तुझे सुबह से कितने सारे पटाखे दिए हैं ना, मैं बस उन सब के बदले तो उन सब के बदले मैं किस चाहता हूँ। किस? तुम थोड़ी सी चूतिए हो क्या? तुम्हें कितने बार बोला शादी से पहले कुछ भी नहीं, और तुमने जो पटाखे दिए थे उसमें मेरा फेवरेट पटाखा था ही नहीं। कौन सा पटाखा? चरकरी, जब वो जलती है और गोल गोल घूमती है ना, मुझे उसमें कूदना बड़ा मजा आता है। ले बस इतनी सी बात, वो तो मैं तुझे कल ला कर दे दूंगा, टेंशन नॉट। सच्ची? मुच्ची। वैसे तुम्हारा फेवरेट पटाखा कौन सा है? मेरे फेवरेट पटाखे का नाम तुम जानोगी तो मुझसे मदहोश ही हो जाओगी, क्योंकि वो पटाखा तुम हो जानम दिलरुबा। अच्छा जी, मैं पटाखा हूँ, 10 बार समझाया है कि बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड की तरह रहे। सॉरी बेबी सॉरी। अरे ये फटा क्यों नहीं बे? ये रंगोली है, इससे अच्छा कुछ और बना लेते, ये रंगोली तो कोई भी बना लेगा। अच्छा जी, तो तुम ही आके बना दो ना, हम भी तो देखें हमारे स्कूल के बॉयज कितने आर्टिस्टिक हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये रंगोली बनाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। और क्या भाई, अरे भाई हम तो चैंपियन हैं, आज इन लड़कियों को दिखाई देते हैं कि हम कितने बड़े आर्टिस्ट हैं।